अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब ज़ार। दोस्तों वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स की जॉब्स के बारे में। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी में जॉब्स लॉन्च हुई हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, जिसमें आप लोग मेज़ और फीमेज अप्लाई कर सकते हैं। पूरे एक साल के बाद ये जॉब्स लॉन्च हो रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को और से देखना है, इसको एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब ज़ार सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब ज़ार। ऐसे आपने सर्च करना है गूगल पे और इस पहले लिंक पे जहाँ पे जॉब ज़ार डॉट इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको पोस्ट नज़र आ रही है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन करना है। जब आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आकर आप इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट का ये इदारा है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के अंडर, ठीक है। और ये जो जॉब्स हैं ये एक साल के बाद अनाउंस हो रही हैं, तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है, ग्रेड 16 पे। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें केपीके की वैकेंसी है और इसमें 18 से लेकर 35 साल तक है जो, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट है ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, और इसमें मेरिट पे कोटा है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है और सिंध का भी इसमें कोटा है। कैशियर है, इसमें आपके पास जो है वो बीकॉम होना चाहिए, ठीक है, या फाइनेंस में बैचलर डिग्री हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट पे कोटा है, मेरिट पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे सब इंजीनियर है, आपके पास डीएई होना चाहिए सिविल में, इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, और इसमें मेरिट और केपीके का यहाँ पे कोटा है। उसके बाद यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर है ग्रेड 14 पे, और इसकी 14 वैकेंसीज है, और इसमें बैचलर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। इसमें मेरिट और पंजाब और सिंध और केपीके और फाटा और आज़ाद कश्मीर का यहाँ पे कोटा है। उसके बाद यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट है, इसमें इंटर क्वालिफिकेशन हो और आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए और पंजाब की मिनोरिटी सप्लाई कर सकती हैं। यूडीसी है अपन डिवियर क्लर्क, इंटर क्वालिफिकेशन हो एफएफएससी, आईकॉम, डीकॉम, आईसीएस, मेरिट, केपीके और सिंध का यहाँ पे कोटा है। उसके बाद यहाँ पे गर्दवार है और इसमें इंटर क्वालिफिकेशन हो, पटवारी कोर्स हो और पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सर्वेयर है, इंटर क्वालिफिकेशन और सर्वेयर का डिप्लोमा हो। उसके बाद यहाँ पे एलडीसी है, मेट्रिक क्वालिफिकेशन और 30 वर्ड परमिट आपकी टाइपिंग स्पीड हो। और पटवारी है, पटवारी कोर्स हो इसमें आपके पास। सिक्योरिटी गार्ड है, इसमें जो है वो मेट्रो क्वालिफिकेशन और ड्राइवर है, मिडिल पास क्वालिफिकेशन और एलटीबी लाइसेंस हो। डीएमओ है, डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर, मेट्रो क्वालिफिकेशन और रेलवे एक्सपीरियंस हो। नैप क्लासेस की यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं, मिडिल पास क्वालिफिकेशन है, इसमें इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर पंजाब, सिंध और केपीके के जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर 42 वैकेंसीज हैं, ठीक है। आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसमें इस्लामाबाद की 21 सीटें हैं, जो इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर्स हैं। पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके यहाँ पे चौकीदार है, इसमें जिनको पढ़ना लिखना आता है वो अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद के लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट लिखी हुई है, कम से कम यहाँ पर 18 है और ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर लिखी हुई है वही है, ठीक है। उसके बाद इसमें अप्लाई कैसे करना है, इन तमाम सीटों के लिए जो यहाँ पे है वो फीस है वो 200 रुपये है, ठीक है, वो आपने पे करनी है। उसके बाद इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे आपको लिंक नज़र आएगा, यहाँ पे फॉर अप्लाई क्लिक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन डेट यहाँ पे 28 में, लास्ट डेट जो है इसकी 11 जून है, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें अप्लाई ऐसे करना है कि आपने यहाँ पे इस पर अप्लाई ऑनलाइन करना है, फिर उसके बाद डिपॉजिट स्लिप प्रिंट करके आपने अस्करी बैंक में 200 रुपये फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। यहाँ पे अस्करी बैंक की ब्रांच में जाकर आपने जो है वो फ़ीस जमा करवानी है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी अप्लीकेशन फॉर्म आ गई, आपने इसको फिर यहाँ पर पहले रीड कर लेना है, ठीक है। और ये सब कुछ आपने इसको फिल करना है और सेव एंड प्रिंट ये सारा करने के बाद यहाँ पर अपना जो है वो चलान फॉर्म अटैच करना है। चलान फॉर्म कैसे अटैच करना है, वो ऐसे अटैच करना है कि आपने यहाँ पे ये देखें डाउनलोड चलान, ठीक है, और इसका यहाँ पे आपने फिल करना है, ठीक है, ये वाला। और ये तीनों कॉपी सेम है,
यहाँ पे ये फिल करने के बाद अस्क्री बैंक में चले जाना है, 200 रुपये उनको देने हैं। और यहाँ पे आपको बता देते हैं यार, यहाँ पे आपने अपने डेट लिखनी है, अपने नाम लॉन्ग लेटर में, कॉन्टैक्ट आईडी कार्ड नंबर, और अप्लाइड फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लें वो यहाँ पर लिखें, ठीक है। और यहाँ पे अपने सिग्नेचर, ये कैंडिडेट सिग्नेचर के ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं, ये तीनों कॉपी इसी तरह फिल करना है। सबसे पहले आपने फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। आपने चले जाना है एस्क्री बैंक में, उनको 200 रुपये देने हैं। वो जो है ना, वो आपसे जो है वो ये बैंक कॉपी अपने पास रख लेंगे, ये फर्स्ट वाली, और ये दो आपको रिटर्न कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो है ना FD या चेक कॉपी, ये वाली दरमियान वाली, इसकी फ़ोटो खींच लेनी है। और जब आपने करना है अप्लाई, ठीक है, अप्लाई करते वक्त आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है, अटैच चलान, जो फी ऊपर स्टैंप लगी होगी आपने इसके ऊपर अटैच कर लेनी है। उसके बाद अपनी जो है वो CV की पिक्चर जो है वो अपलोड कर लेनी है यहाँ पे, और सेव एंड प्रिंट करके आपने यहाँ पे या तो अपनी CV अटैच कर लें या फिर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें, ठीक है, ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ, दो में से जो मर्ज़ी करें, और सेव एंड प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप पसंद होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।